अस्सलामुअलैकुम, मैं ताहिर मतीनी TM TV के हवाले से आपसे बात कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और शेयर कीजिए। समय आज मेरा मौजू दो शख्सियात पर है। एक तो टूर्नामेंट आपको याद होगा या याद है, PSL जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसके लाहौर कलंदर के जो ऑनर हैं राणा फवाद, और मुनसिफ एडवोकेट ऐवान जो चेयरमैन भी है PJP पार्टी के और कानूनी चैनल के एंकर भी हैं। ये दो शख्सियात का ताल्लुक लाहौर से ही है। इस दर्द आशूब के जमाने में लोग इनको देखना चाहते हैं। राणा फवाद जब वो मैच के दौरान TV पे आते थे तो लोग मैच को छोड़ देते थे कि क्या पोजीशन है मैच की, राणा फवाद को देखते थे। और जब उनकी टीम एक दफा जीती थी तो वो डांसिंग, वो वीडियो बड़ी, वो जो क्लिप्स था या जो भी कह रहे स्टेडियम के अंदर, उसको देख के लोग बड़े खुश हुए। बड़े हरदे लजीज शख्सियत के मालिक हैं और जीतने पर तो डांसिंग, और वो भी एक स्टाइल। और जब उनकी टीम हारी, बहुत मैच हारे, लेकिन एक हल्की सी मायूसी की उनके चेहरे पर आती थी और लोग भी थोड़ा सा अफसरदा हो जाते थे कि यार क्यों आ रहे। तो लोगों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा है उनसे, और मैं उनसे कहूंगा कि यार आप चैनल पे आया करें या अपना छोटा सा चैनल बना लें कुछ अरसे के लिए। आप बहुत बिजी आदमी है, इंसान है, लेकिन लोग देखना चाहते हैं। और दूसरी शख्सियत है मुनसिफ एडवोकेट ऐवान साहब, जो PJP पार्टी के चेयरमैन भी हैं और कानूनी TV के रुए रवां और एंकर भी हैं। बड़ी हरदिल अजीज शख्सियत के मालिक हैं। सैटरडे को उनका प्रोग्राम लोग जाग के देखते हैं और सुबह तक उनके साथ जागते हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक है, और जब वो गुस्से में आके भी बात करते हैं तो फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और फिर एक कहका, वो मुंह के अंदर एक कहका लगाते हैं तो उस वक्त उनको देखने में बड़ा मजा आता है। इस दर्द आशोब जमाने में ये दोनों शख्सियात को टेलीविजन पे आना चाहिए ताकि लोग खुश हों, मुस्कुराहट आए लोगों के। महंगाई है, बेरोजगारी है, बड़े मसाइल से पाकिस्तान गुजर रहा है और हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये दिन भी गुजर जाएंगे और अल्लाह खैर आफियत रखेगा। तो इन शख्सियात को आना चाहिए टेलीविजन पर और अपना मिशन भी और अपनी राय से भी लोगों को आगाह कर, ताकि एक मुस्कुराहट आए जो कि पता नहीं कहां जा चुकी है।
और वो खो गई है, कहाँ चली गई है, लोग बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं। जाहिर बात है इतने माशी हालात खराब हो चुके हैं कि लोग परेशान हैं, लेकिन गवर्नमेंट हौसला दिला रही है, देखें क्या होता है, कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह राहें निकलेंगी। कोरोना के वजह से भी बड़े हालात खराब रहे, हमारे नहीं बल्कि दुनिया के। तो मैं इन दोनों शख्सियात से कहूंगा कि भाई आप चैनल पे आए, और चैनल वालों को भी कहूंगा कि इन शख्सियात को लेके आए, इनको देखने से मुस्कुराहट आती है। अब TMTV से टाइम के इनको इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए टाइम को अल्लाह हाफ़िज़।